यूपी विधानसभा से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की मेंबरशिप रद्द कर दी गई है। हाईकोर्ट ने पिछले साल 16 दिसंबर को ही अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया था, जिसके बाद अब स्पीकर ने इसका आदेश जारी कर दिया। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता 16 दिसंबर से ही रद्द मानी जाएगी। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी ने भी हमला बोला। विधानसभा के द्वारा ये हुआ है कि उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की गई। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। श्रीमान अखिलेश यादव से पूछना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी क्या फर्जी वाले करने वालों की पार्टी है? अखिलेश यादव को इस पर जवाब देना चाहिए। रामपुर न्यायालय के द्वारा उनको जेल भेजा गया है।